प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी, जो कि सीए के मुद्दे पे न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि भारत में रह रहे विरोधियों को भी उधेड़ के रख देंगी। और ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था। तो इस वीडियो को भी आप अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हो गया, पर अब आप देखो कि इसको लेकर माहौल तो ये लोग खड़ा करेंगे ही। राहुल गांधी ने भी बोलना शुरू कर दिया कि 4 साल 4 महीने बाद चुनाव से एक दिन पहले क्यों लाया जा रहा है। फिर उधर से वो संजय राउत जो है वो फरमा रहे हैं कि ये आखिरी दाव है इनका, मतलब इनको लगता है कि इससे कुछ ऐसा हो जाएगा, एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। अरे ये तो 4 साल पहले ही पास हो चुका था, नोटिफिकेशन अब जाकर आया है, सिर्फ इतना ही हुआ ना। किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है, किसी कानून को हम लोग अमेंड करते हैं उसमें भी समय लगता है, किसी कानून को बनाया जाता है उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी समय लगता है, उसके अवेयरनेस में भी समय लगता है। हमें देखिए 2019 में कानून पास हुआ 3 तलाक पे, अभी तक हम लोगों को अवेयरनेस करना पड़ रहा है, अभी तक उस पर काम चल रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन में तो समय लगता है। अब 4 दिन में अगर 4 साल के बजाय 4 दिन में अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता तो फिर यही लोग कहते कि पता नहीं कैसी ड्राफ्टिंग हुई है जो 4 दिन में हो गई। अब जब सारी चीजों को देख दाग करके एक समय लेकर के सारी सुविधाओं को सारी चीजों को देख करके जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो भी ये कह रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है हेड भी इनका टेल भी इनका, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा मैं आपको बताऊं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी सबने तो जो कहा लोकसभा को बहाना बनाया है, लोकसभा को ढाल बनाया है, लेकिन ममता बनर्जी जी ने रमजान को ढाल बनाया है कि रमजान से एक दिन पहले सीए क्यों हो गया। अच्छा नाज़िया जी मुझे एक चीज बताओ कि मुसलमानों को ये लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो पीड़ित मुसलमान है उनको भी आना चाहिए, उनका नाम भी जोड़ देते अगर इस लिस्ट में तो खुश हो जाते। अरे लेकिन वो तो वहां माइनॉरिटी में ही नहीं है, कोई मुसलमान पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान छोड़कर बांग्लादेश छोड़कर भारत सिर्फ रायता फैलाने के लिए आना चाहेगा ना, और क्यों आना चाहेगा, क्या वो वहां पर प्रताड़ित है। नहीं नहीं उसकी उसका बहुत सिंपल रिप्लाई है अंजू जी, हमारी इस दुनिया में, हमारी इस जमीन पर, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में 57 मुस्लिम ममालिक है, 57। अब हमारे हिंदू भाई बहन सीरिया तो नहीं जाएंगे, ईरान तो नहीं जाएंगे अपना आधार कार्ड मांगने के लिए, पाकिस्तान में तो क्या उनके साथ हुआ है, अफगान में क्या हुआ है, सीरिया में क्या हुआ है, बहरैन में क्या हुआ है, सबको पता है। अब वो यूके तो नहीं जाएंगे, वो ऋषि सोनक जी के पास तो नहीं जाएंगे, मिलोनी के पास तो नहीं जाएंगे, या MBS के पास तो नहीं जाएंगे कि मुझे आधार कार्ड दे दो। तो जो व्यक्ति भारत की मिट्टी का है उसको भारत में लाया जाएगा। अब जिनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है वो टिकट टू क्यों नहीं पाकिस्तान कर ले रहे हैं, वो टिकट टू अफगानिस्तान क्यों नहीं कर ले रहे हैं, वो टिकट टू अरब क्यों नहीं कर ले रहे। अब इनकी एक और बड़ी परेशानी है, इनकी परेशानी ये है कि अरब इनको एक फूटी गौड़ी नजर से देखना नहीं चाहता है। ये अगर पाकिस्तान जाने भी खड़े हो जाएं तो जो लोग 15% गए थे पाकिस्तान उनको आज भी मुहाजिर का टैग है पाकिस्तान में, और अरब इनको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। अरब तो साफ बोलता है कि भैया ये जाली मुसलमान है, ये चटिकबाज मुसलमान है, भारत का मुसलमान तो चटिकबाज मुसलमान है, ये तो मुसलमान है ही नहीं अरब का अरब। और अभी तो MBS ने पूरे तरीके से मॉडर्न जजिया से लेकर के फितरा जकात से लेकर के भीख से लेकर के सारी चीजें बंद कर दी हैं, मुसलमानों की सारी चीजें बंद कर दी हैं। तो ये अभी अभद्र और बेवकूफी वाली टिप्पणियां करेंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, होना जाना कुछ भी नहीं है। ईद का तोहफा हमें रमजान के चांद रात में गृह मंत्री साहब ने दे दिया है, और मैं एक मुसलमान बेटी नाज़िया अली खान इस तोहफे को सर आंखों पर रख रही हूँ। इसके इम्प्लीमेंटेशन मैंने आज से अवेयरनेस नहीं किया है, मेरे सोशल मीडिया पर अगर जाया जाए तो 2018 से इसके अवेयरनेस में मैं लगी हुई हूँ CAA के लिए, और गांव ग्राम गली कूचा में मैंने छोटे से मंच पे भी, सिर्फ मतलब एक चेयर पर भी, बड़े मंच पे भी, हर जगह मैंने CAA के बारे में बताया है, और लोग कन्विंस हुए हैं। और मैंने कहा है कि देखो मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुस्लिम हूँ,
मेरा बाप दादा मुसलमान है भाई, मेरी माँ खाला फुफो सब मुसलमान है भाई, और ना ही मेरे घर की किसी बेटी ने हिंदू से शादी की है, ना ही किसी बेटे ने हिंदू से शादी किया है। इमाम बुखारी लफंदर है, इमाम बुखारी जाली मुसलमान है, उसने एक हिंदू सनातनी से अपने इकलौते बेटे की शादी की, लव जिहाद प्रमोट किया है, लेकिन मेरे परिवार ने आज तक किसी भी इंटर रिलीजन में शादी नहीं की है। तो जब मैं नहीं डर रही हूँ, मेरा बाप दादा नहीं डर रहा है, तो भैया आप लोग क्यों डर रहे हो? तो डरता वही है जिसके चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। और अवेसी जो है ना, वो तो खड़े खड़े मेरे को चोर नजर आता है, खड़े खड़े मेरे को चोर नजर आता है। वो देखिए आंखों में आंखें मिला करके कभी बात नहीं करता। चलिए औरत से तो उसको घिन आती है, औरत से नहीं करता है, अच्छी बात है, लेकिन मर्द से तो करना चाहिए आंखों में आंखें मिला करके, क्योंकि उसको पता होता है कि वो उसके मुंह से जो बोली निकलती है ना, वो राजोकार के फौज के आखिरी सिपा सलार के हिसाब से ही बोली निकलती है, भारत के नागरिक के हिसाब से तो बोली नहीं निकलती है। ममता बनर्जी की जहां तक बात है, उन्होंने दो दिन पहले भी और कल भी ब्रिगेड की मीटिंग जो हुई है और रैंप शो हुआ है, फैशन शो हुआ है 42 कैंडिडेट का, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि मुसलमानों रमजान का महीना आ गया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। और उसके बाद फिर 4 घंटे के बाद उनको जब समझ में आया कि भीड़ नहीं लग रही है ब्रिगेड में, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि हर रामनवमी पर छुट्टी हो, गवर्नमेंट हॉलीडे होगा। बताइए रामनवमी पर शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते और अब छुट्टी हो रही है। हाँ, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ब्रिगेड में भीड़ नहीं हुई, और वो इतना अल्लाह अल्लाह और मोहम्मद मोहम्मद कर चुकी हैं कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं हिंदुओं के दिमाग में ये ना आ जाए कि ममता बनर्जी खुद मुसलमान है। नहीं नहीं, वो तो शांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण है, बता चुकी थी वो नंदीग्राम में, याद नहीं आपको विधानसभा चुनाव में? पता नहीं आप लोगों के सनातन में कैसे ब्राह्मण होते हैं, कैसे ब्राह्मण होते हैं हमें तो नहीं पता भाई। आप देखिए मुसलमानों में एक चीज देखिएगा कि ये रहते टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह है, पर जैसे ही इनको भगड़ मचाना होता है ये पूरा एकदम एक जगह एकजुट हो जाते हैं। पर आप लोग के ऊपर अभी 2024 में कर्तव्य है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सुनने वाले हर एक युवाओं को सुनना चाहिए ये बात कि 2024 हमारे लिए एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक ऐसे व्यक्ति को हमको चुन करके लेकर आना है जिसने दोबारा हमें एहसास दिलाया कि हम भारत के पुत्र और पुत्री है, जिसने दोबारा हमें यह एहसास दिलाया कि पीओके हमारा है, हमारा, हम अखंड भारत दोबारा बना सकते हैं जो नेहरू ने हमसे छीन लिया था, हमसे छीन लिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में अल्लाह और इस्लाम में इतना पावरफुल होता तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब देश पाकिस्तान होता। आज मैं जब भी बैठती हूँ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ या चैनल्स पर, वो लोग मुझे बोलते हैं अरे अपने पानी बंद कर दिया, मैंने कहा अल्लाह से मांग लो, अल्लाह से मांग लो, हमसे क्यों मांग रहे हो भाई, हम तो काफिर है, तुमको अल्लाह से मांगना चाहिए। मैम आपका भारत इतना उन्नति कर रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा पाकिस्तान तो वही का वही है। मैंने कहा भाई अल्लाह से मांगो, मुसल्ला बिछाओ, जानावाज बिछाओ और अल्लाह से मांगो। अब अल्लाह भी तुम लोगों के मुंह पे थूक दिया है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए मैं भारत में भी मुसलमानों को बताना चाहूंगी कि मेरा भारत एडुकेशन में 79% एडुकेट भारत है, लेकिन वहीं पर देख लीजिए भारत के मुसलमान, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम दलित से भी पीछे हैं हम। तो हमारे ऊपर अल्लाह ने भी तो थूक दिया है, अल्लाह भी तो हमसे नाराज हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो हम कर रहे हैं। हम पैगामे रसूल की जगह हम पैगामे मुगल हो गए हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं आ रहा है। पर एक चीज चलते चलते बता दीजिए, एनआरसी को लेकर भी माहौल बनाया जा रहा है कि एनआरसी आने वाला है और अगर उसमें रजिस्ट्रेशन हुई फिर तो कागज दिखाने पड़ेंगे। कि भाई कागज दिखाने से वो डरेगा जिसके पास कागज नहीं होगा, इस पर तो हम जरूर चर्चा करेंगे, बहुत जबरदस्त चर्चा करेंगे और आधे घंटे चर्चा करेंगे, क्योंकि एनआरसी में बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे कानून हैं जिसको बहुत अच्छे से पढ़ करके बताने की जरूरत है। लेकिन मैं मोटा मोटी इतनी बात बता सकती हूँ कि डरेगा वो जिसके पास कागज नहीं होगा। बिल्कुल, और ममता बनर्जी के तो आधे वोट बैंक के पास कागज नहीं होंगे। मैं इसी पर मैं मुसलमानों के लिए आपको एक नात सुना देती हूँ, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए,
जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए, एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी अंजामों को मुसलमान भूल गए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सही कह रहे हैं कि जो सच्चा मुसलमान है वो भूल गया है, और इसीलिए आप कह रही हैं ना कि अल्लाह ताला शायद उनसे नाराज हो गया है, जो अब आपने इतने सारे उदाहरण दिए। लेकिन रमजान का महीना शुरू हो गया, आपको बहुत बहुत मुबारक, और उम्मीद करते हैं कि जो रायता फैलाने की कोशिश की जा रही है ओवैसी साहब की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, ये सब ढोल हैं बजते रहेंगे, लेकिन CAA तो लागू हो चुका है, कानून बन चुका है, उस कानून को मानने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा ही नहीं, कोई चारा ही नहीं है। मोदी सरकार ने अपने जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था आर्टिकल 370 हटाएंगे, हट गया है, CAA राम मंदिर वही बनाएंगे, सब हो गया है, तो बस मुझे उसी से इनको मिर्ची लगनी शुरू हो गई है, 2024 में ये बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। जब बच्चा रात में सोता है और उसका होमवर्क पूरा कंप्लीट रहता है तो उसको कितनी सुकून की नींद आती है, कितनी सुकून की नींद आती है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के वक्त हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो सुपीरियर लीडर है वो बड़े सुकून में रहेंगे, वो कहेंगे मैंने तो होमवर्क कम्प्लीट किया हुआ है जो वादे किए वो पूरे किए हैं, इसलिए चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में अभी इस मुद्दे पर क्या क्या होता है, बात करते रहेंगे। आपने आज वक्त निकाला और CAA के बारे में विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दिए नाजिया जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम, भारत माता की। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने खुल के बात की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के ऊपर, आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी। और दूसरी ओर आपने देखा नाजिया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया बल्कि भारत में रह रहे मजहब के ठेकेदार ओवैसी और ममता बनर्जी जैसों को भी जम के उधेड़ा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।